सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडर शिफो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी होगी, जिसके मैं ऑलरेडी दो पार्ट्स बना चुका हूँ और ये आज थर्ड पार्ट है, जिसके बाद में ये स्ट्रेटजी ओवर हो जाएगी। सो आपने पहले के दो पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। देन आज जिस पे अपन ट्रेड करने वाले हैं, अब मैं आपको डायरेक्ट वो स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। सो अपन यहाँ पे कोई चार्ट ओपन कर लेते हैं जहाँ पे मैं आपको वो स्ट्रेटजी डिटेल में सिखा सकूँ। सो यहाँ पे मैं आपको वो स्ट्रेटजी सिखा सकता हूँ। सो यहाँ पे मार्केट जहाँ पे यहाँ पे आपको ट्रेड करना है दो ट्रेंड लाइन पे, जहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी में रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना बताया था, जहाँ पे ट्रेड लाइन नीचे से बन रही थी। देन एक स्ट्रेटजी में मैंने आपको सपोर्ट पे ट्रेड करना बताया था, जहाँ पे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन डाउन साइड में बन रही थी। लेकिन इसमें आपको दोनों साइड ही ट्रेंड लाइन को देखना है। देन इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि कैंडल किसी भी साइड ब्रेकआउट दे, आपको उस साइड पे 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करना है। अगर वो अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट दे तो 5 मिनट की अप की, देन डाउन में दे तो 5 मिनट डाउन की ट्रेड प्लेस करना है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो मैंने आपको बताया था, वहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट देने पे आपको उसी तरफ 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करनी थी। लेकिन इसमें आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आप दोनों साइड ट्रेड प्लेस कर सकते हो। सो अब अपन चलते हैं मार्केट में, जहाँ पे अगर ये स्ट्रेटजी लाइव मार्केट में बनेगी तो मैं आपको ट्रेड करके भी बताऊंगा। सो अपन फाइंड करते हैं कि अपन को ये स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कोई मार्केट मिल जाए। सो आप अगर यहाँ पे चाहो तो इसका टाइम फ्रेम है उसको भी बढ़ा सकते हो, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी इस स्ट्रेटजी में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे अपन को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक मूवमेंट मिल चुका है। सो यहाँ पे अपन दो ट्रेंड लाइन को ले लेंगे। सो अब मैं इनको प्लेस करके आपको दिखाता हूँ। सो फर्स्ट ट्रेंड लाइन अपन प्लेस करेंगे यहाँ पे, देन मैंने आपको जो सेकंड पार्ट में ट्रेंड लाइन कितने डिग्री पे बनाए करते हैं वो भी बताया था, जो कि एक 45 डिग्री का बेस्ट एंगल होता है। उस पर अगर ट्रेंड लाइन बन रही है तो उसके मार्केट में वर्क करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अदर किसी एंगल पे ट्रेंड लाइन बनने के। सो यहाँ पे अपन को पहले ही बार में अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडल बनती हुई विजिबल हो गई है। सो अपन को बस यही देखना है कि इसका जहाँ पे भी ब्रेकआउट होगा अपन उस डायरेक्शन में 5 मिनट की ट्रेड प्लेस कर देंगे। देन मैंने आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है बाकी के दो वीडियोस में भी, इसमें भी आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पे आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो है कि ये जो ट्रेंड लाइन है वो 45 डिग्री के एंगल पे बने तो बेस्ट है आपके लिए। देन इसमें मिनिमम 4 to 5 points कवर होने चाहिए। जो ये दो ट्रेंड लाइन बनी है इनमें भी वो सेम ही लॉजिक वर्क करता है। देन 1, 2, 3, 4, देन 5th और यहाँ पे 6th। तो अब 7 टाइम में जहाँ पे भी ब्रेकआउट होगा उस डायरेक्शन में अपन 5 मिनट की ट्रेड प्लेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइमिंग को बढ़ा लेता हूँ और अपन यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल देख रहे हैं। सो अपन को कैंडल अब 1 मिनट की देख लेनी है। आप 5 मिनट में जाके, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में जाके कैंडल्स को देख के यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लेस करनी है। देन वापस 1 मिनट में आना है और यहाँ पे आके इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है। सो अपन को यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट देखेगा, सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉल्स ब्रेकआउट थे, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अप की ट्रेड प्लेस करते। सपोज़ यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट आप देखते तो यहाँ पे आप अप की ट्रेड प्लेस करते और लॉस हो जाते। देन इसी पे सेम पॉइंट आपके लिए अप्लाई होगा, यहाँ पे भी आप देखते और यहाँ पे आप 5 मिनट की डाउन की एंट्री प्लेस करते। सो इसलिए आपको टाइम फ्रेम ऑलवेज बड़ा रखना है और यहाँ पे जो कैंडल बने वो ब्रेकआउट भी एक सेलिंग, यहाँ पे जो सेलिंग है सेलिंग में ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए।
इसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम को देखना है जिससे कि आप ब्रेकआउट से बच सको। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। सो यहाँ पे इस कैंडल के ओवर होते ही अपन यहाँ पे 5 मिनट की डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। सो 1 मिनट में देखते हैं क्या हो रहा है। सो मैं डायरेक्ट वीडियो को वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ पे ये ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कितना भी टाइम ले सकता है, आपको पेशेंसली इसको बस वॉच करते रहना है। सो यहाँ पे मैं वापस आ चुका हूँ और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है। सो यहाँ पे अपन ने ट्रेड टाइमिंग 5 मिनट की सेट कर रखी है और मैं इस अमाउंट को भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। देन ये जैसे ही ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाएगा सो अपन यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। इसमें सेलिंग प्रेशर हो रहा है लेकिन यहाँ पे अपने क्राइटेरिया फुलफिल हो चुके हैं, दैट्स व्हाई अपन यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देन 5, 4, 3, 2, 1। सो अपन ने 5 मिनट की अपसाइड में एक ट्रेड प्लेस कर दी है। अब जो लोग सोच रहे हैं कि अपन इस पॉइंट पे भी ट्रेड प्लेस कर सकते थे, मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो यहाँ पे वो अगर प्लेस करते, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, जैसे कि आपके लॉस होने के, मतलब जो ये फॉल्स ब्रेकआउट है इसको आप इजीली, इसमें आप लॉस नहीं कर सको, मतलब जो फॉल्स ब्रेकआउट है उनको फाइंड करने के लिए यही एक बेस्ट तरीका है कि आपको टाइम फ्रेम बड़े रखने हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन ये सब ड्रॉ करोगे तो आपके जो फॉल्स ब्रेकआउट बनने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। सो अपन ने ट्रेड प्लेस कर दिए, अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। देन एक और बात बता दूं कि यहाँ पे मैं वीडियोस सिर्फ आपको मेरी जो नॉलेज है वो बताने के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, यहाँ पे मेरा प्रॉफिट या लॉस बताने के लिए ये वीडियोस मैं नहीं बनाता हूँ। सो जो भी भाई मुझको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं उनका थैंक्स। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगती है सो आप यहाँ पे प्यारा सा एक कमेंट भी कर सकते हो, इस पर मैं रिप्लाई करूँगा। सो यहाँ पे अपनी बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बन रही है, पर यहाँ पे आपको मैंने सेकंड पार्ट है जो इसका, उसमें एक बात बोली थी कि जितना मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा मार्केट के अप जाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पे कितना ज़्यादा सस्टेन किया है, मतलब यहाँ पे मार्केट कितना ज़्यादा अंदर फंसा हुआ रह गया था। दैट्स वाई इसने जहाँ पे भी ब्रेकआउट दिया है उस डायरेक्शन में एक बड़ी रैली दिखाएगा। सो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पर सेलिंग प्रेशर भी है, लेकिन बाइंग का यहाँ पे जो प्रेशर है वो सेलिंग से ज़्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ पे बायर्स ब्रेकआउट दे पाए हैं। तो यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दी है, उसके साथ में जो की पॉइंट्स है वो भी बता दिए हैं कि यहाँ पे मिनिमम 6 to 7 points कवर होने चाहिए, देन ब्रेकआउट हो तो फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें। सो आपको अगर ये नॉलेज अच्छी लगती है सो आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन भी दे सकते हो। सो अब मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। सो यहाँ पे अपनी ये लास्ट कैंडल रही है, अगर मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बताऊँ सो 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे अपने 5 मिनट की ये लास्ट कैंडल रही है, मतलब ये एक कैंडल बनने के बाद में अपना जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो इसके मार्केट में जो एक्यूरेसी है वो नॉर्मल इंडिकेटर से ज़्यादा ही होगी। सो आपको इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और इसको आपको प्रैक्टिस करना है जिससे कि आप इसमें मास्टरी कर सको।
क्योंकि आप प्राइस एक्शन पर अगर ट्रेड करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। और आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब मैंने बता दिए हैं कि बड़े टाइम फ्रेम को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करना है। सो यहाँ पे अपनी ये ट्रेड विन हो चुकी है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो आप कमेंट भी कर सकते हो। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके फ्रेंड्स, बाय।